वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। सब कैसे हो? होप करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब उसे पूछूंगी मैं उसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, बिकॉज मैंने यहाँ आपको दो मतलब पहले आपको व्लॉग में बताई दिया था कि हम लोगों ने जाना जब पूछ नोटबुक के अंदर देख रहे हैं टुकु की मैं की क्वेश्चंस लिखे ने तो अभी जब उसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों के पास हमारे व्लॉग ना आए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है डेली व्लॉगिंग है तो डेली व्लॉग आना चाहिए। इसलिए जप्पू को बिठाया साथ में और जप्पू बैठा यहाँ पे कच्चा बैठ जप्पू बैठा कच्चा बैठ के दिक्कत भी बाकी आया तो नहाके तो मैं वैसे ही नहीं, मैं तो जिम से आई हूँ और आके लंच वंच करके आके मैं व्लॉग बना रही हूँ। और जप्पू को बिठाया साथ में, जप्पू बनवाएगा मेरे साथ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग, है ना? मस्ती करेगा कि नहीं करेगा? थोड़ा शर्मिंदा हो गया जप्पू, क्योंकि सारे पता लग गया ना कच्चा पाके बैठा है। इसका ब्राउन ग्रे ब्लू ये सारे कच्चे दिख चुके हैं व्लॉग में, ये कच्चों में ही रहता है, इसके पास निकरे है ही नहीं, पैंट भी नहीं है, निक्कर भी नहीं है, कच्चे यहाँ रहता है। और कोई गिफ्ट देना चाहता है कच्चा गिफ्ट? हाँ, कोई इसको छह कच्चे गिफ्ट करना है। करते हैं व्लॉग स्टार्ट। जप्पू रेडी है? जप्पू रेडी है, जप्पू का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जप्पू से, जप्पू को कसम से गॉड प्रॉमिस, एक भी क्वेश्चन नहीं पता कि क्या क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। मैं तो पापा के साथ, पापा ये पापा के साथ आपके लिए एक और व्लॉग की तैयारी कर रहा था और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जब आप वो देखोगे तो आपको नजारे आ जाएंगे सच में। व्लॉग देख के पहले मैं पापा के ट्रांसफर करता, वीडियो भी ट्रांसफर, पहले इस वाले व्लॉग की तैयारी करते हैं, ठीक है गाइस? तो चलो ठीक है गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जप्पू से पूछते हैं। ओके। जपजी तेरा फेवरेट सीजन कौन सा है? जैसे अभी तो समर सीजन चल रहा है, बहुत गर्मी है, मॉनसून बोती है कपड़ी कराली बेची मॉनसून में स्पेलिंग था शकल तेरी चपेड़ा खा डाली है सीजन तेरे को मॉनसून पसंद है? अच्छा मॉनसून सीजन में तेरे को पसंद क्या है? रेनी सीजन पागला मॉनसून सीजन रेनी सीजन कहते रेन होंगी है रेन पसंद की है रेन है रेन में क्या करना पसंद है मेरे को रेन में नहाना पसंद जो कि मम्मी बिल्कुल नहीं नहाने देती हाँ, बस मैं एक बार नहाया था वो भी जबरदस्ती मम्मी से जिद कर गई वो भी अपने घर में नहाया था ऐसे मग्गा मार लेके अपने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बहुत गंदा मचता है यार बारिश होती है उसके बाद ये नहाने जाता है फिर पूरे घर में पैर पर चापता है इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी मैंने अपना रेनी सीजन बहुत अच्छे से एंजॉय किया जब मैं छोटी थी मम्मी के घर पे जब बारिश होती थी रोज नहाती थी सिर पे पोलोथीन पहन के नहाती थी क्योंकि पहले ना मम्मी आवाज नहीं गिले करने दी थी तो इसलिए सिर पे पोलोथीन पहन लेती थी सब्जी वाली फिर नहाती थी। मेरा भी फेवरेट रेनी सीजन है जप्पू का भी फेवरेट रेनी सीजन है और मुझे सीरियसली वाटर पार्क जाना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे पानी में बैठना बहुत पसंद है। ठीक है तो चलो चलते हैं वाटर पार्क जाके मम्मी को स्लाइड तो लेते नहीं कहीं से मेरी बेइज्जती कर बैठे फिर मेरी भी तो कर रहा था तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये बता अब तक कहाँ कहाँ पे घूम चुका है? अब तक बड़े हाँ। हम बड़ी जगह बता कुछ बेसिक से नाम बता दे कहाँ ताजमहल गए ताजमहल ताजमहल गया ये डुगू सबसे पहला नाम ये ताजमहल है क्योंकि ये सबसे तो पहले गया ही ताजमहल जी आगरा ही गया था छोटू सा था और सबसे पहले ये ताजमहल ही गया था डुगू ताजमहल वाली इसकी फोटो लगाना साइड पे साइड जप्पू की फोटो लगी है ताजमहल की फोटो अच्छा और कहाँ गया और कहाँ गया हम बड़ी जगह गए हैं देहरादून वो मंसूरी अब कैंपटी फॉल जाने वाला हूँ अच्छा अब हेमकुंड साहिब भी चला जाऊंगा हो गया जब तक ये ब्लॉग देख रहे होगे तब तो हेमकुंड साहिब जाएगा। तू मुझे ये बताना सबसे ज्यादा कहाँ पे गया है सबसे ज्यादा? यमुनानगर शिमला अन्नी दिया दरबार साहब सबसे ज्यादा दरबार साहब गया दरबार साहब से ज्यादा और यमुनानगर दो जगहों पे सबसे ज्यादा गया तो मैं बहुत सारी जगह है। मैं सच्ची बताऊँ तो शादी से पहले मैं ज्यादा कहीं नहीं घूमी हूँ क्योंकि हम लोग कहीं जाते ही नहीं थे क्योंकि पापा लेके ही नहीं जाते थे तो ठीक है यार हर किसी की अपने अपने घर की कंडीशन होती है तो इसलिए जप्पू बहुत घूमा है जप्पू को डुगू ने बहुत ज्यादा घुमाया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जप्पू का फेवरेट टॉय? फेवरेट टॉय अभी के लिए टॉय
टॉय ना जब वो खेलता नहीं तो फेवरेट शेर होना था टॉय। पहले इतने टॉयज लेता था, इतने टॉयज लेता था, लड़की था किचन सेट भी लेता था। पहले के जमाने के टॉय मेरा फेवरेट था वो। पहले के जमाना, अभी कौन सा जमाना चल रहा है? मतलब जब मैं पहले बहुत छोटा था तब का मेरा फेवरेट टॉय था। कौन सा टॉय था जिन्हों यही नहीं पता मेरा फेवरेट टॉय उन्हें दुनिया की तरक्कियां करनी है। नहीं यही नहीं पता मेरा फेवरेट टॉय की है की तरक्कियां करनी है। नहीं पता ना कोई पर्टिकुलर, जो देखते हो उस पर मेरा दिल आ जाता है। दिल सब पे आ जाता है इसका, छोड़ो इसका कोई फेवरेट टॉय ही नहीं है। ठीक है अच्छा जब तू ये बता लास्ट टाइम रोया कब था? रोज रोंदा है, लास्ट टाइम एकदम रज के मतलब फुटक फुटक के कब रोया था? जब पागल मेरी चाबी लेके गया था। गली से चपेड़ा भैया से ना इसको ना मैंने बोला था कि जप्पू इसकी बुआ घर पे आई हुई थी, मैंने इसको बोला था जप्पू सात पौने सात बजे हम लोग मार्केट गए थे ना डुकू, पौने सात बजे हम इसको बोल के गए थे जब जी आधा घंटा तेरे पास योर मीत दोनों नीचे थे, आधे घंटे के अंदर ऊपर चला जाइयो। पौने नौ बजे हम लोग मार्केट से शॉपिंग करके आए हैं और नियर अबाउट 8:35-40 के आसपास ये हमें फोन करके बोलता मम्मा पागल मेरी चाबी खींच के लेके चला गया। मुझे गुस्सा इस चीज का नहीं आया कि पागल इसकी चाबी ले गया, मुझे गुस्सा इस चीज का आया जब मैंने तेरे को टाइम लिमिट दी थी तो उस टाइम पे ऊपर क्यों नहीं आया। फिर पहिया है दो चार चंडा गली सी पहिया सी फिर रोया सी लास्ट टाइम भी तभी रोया था सच बताया इसने। अच्छा लास्ट मूवी कौन सी देख के आया थिएटर में? अभी अभी देखे जो 2000 फूके थी शायर। शायर कि दी सतिंदर सरताज और नीरू बाजवा। आजकल शीशा बड़ा छेड़दा पल्ला तेरे रण में देख के फिर वेख्या तन्नू नी चंदी आगे मिल जा भी पा मिल जा आगे मैं नूनी बसवार दिल हो गया बसवार दिल हो गया कोई चलता ना जा रहा है तेरे बिना ना गुजारा। ऐसे शायर अगर आए थे ना दुनिया में तो मेरा डर जाना है अगर ऐसे शायर आए थे। अच्छा अच्छा ये बता दुनिया में तेरे को कभी किसी चीज से डर लगता है? अपनी मम्मी से बस। देखिए गाइस मैं हूँ कौन हूँ मैं? चुड़ैल वाली मम्मी देख रहा हूँ भाई चलते ब्लॉग में चलते। अब आई हूँ अब मैं तुम्हें रोटियां दूंगी पका पका के आलू पूड़ी। क्वेश्चन आपने पूछा था जब तू चुड़ैल वाली मम्मी जब ट्यूशन होती है ना मम्मी कहते पता है ना मैं कौन हूँ तो चुपचाप नान कर लियो। हाँ चुड़ैल वाली मम्मी। अच्छा ये बता तूने क्या तूने कभी कभी अपनी लाइफ में जैसे अभी तू कौन सी क्लास में है? सिक्स्थ में। सिक्स्थ तक की स्टडी में तूने कभी चीटिंग करी है? चीटिंग कभी की? पेपर में क्लास टेस्ट में या मुझे कभी कोई टेस्ट दिया उसमें चीटिंग करी हो? चीटिंग नहीं की ये मैं मान सकती हूँ क्योंकि मेरा जप्पू बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने स्टडी में इसको कभी भी हमेशा यही बात सिखाई कि लाइफ में चीटिंग नहीं करनी, हमेशा पढ़ो अपना बेस्ट देने की कोशिश करो पर चीटिंग कभी नहीं करनी। अगर कोई बिन बिटवीन क्वेश्चन है छोड़ दो अगर नहीं आ रहा तो नहीं समझ लो सोचो समझो चैप्टर किया हुआ है अगर वो फिर भी नहीं आ रहा तो छोड़ के आता चीटिंग नहीं की कभी। अच्छा ये बता बड़े होकर बनना क्या चाहता है? क्या बनेगा बड़े होकर? मेरे को फोन का ज्यादा शौक है और मेरे को पता भी आता है। अब ये मत बोलो कि मैं व्लॉगर बनना चाहता हूँ क्योंकि वो तो इतने छोटे में ही बन गया। तू व्लॉगिंग नाल घर के खर्चे नहीं चलने वाले बेटे, व्लॉग नाल कोई वो करोड़ रुपया नहीं आता। बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है डुगू ये। ठीक है देखते हम क्या बड़े हो के जब वो कौन सा बिजनेस करेगा? अपने अंडरवियरों का बिजनेस करेगा। जेड़े अजे तक पापा के घूमता पाया नीले रंग का पाया नीली टी शर्ट नाल मैचिंग है नीला नीला फ्री लाल लाल पीला फ्री। अगर मैंने भी आपको दिखाया जाए फिर मैं करूँगा ब्राउन के लाल व्हाइट ब्रांड फ्री। दोनों एक दूसरे को ना पागल करने के लिए बैठे साथ में। अच्छा ये बता तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? नो पता ही थी क्योंकि मेरा भी फेवरेट मैथ्स है और गया तो जब वो अपनी मम्मा पे ही है तो हम दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। क्यों मैं खाने पे पापा पे गया हूँ? बुथी ने भी पापा दी गया पहले आपने वो अमृत चखा था तब आप चिकन नहीं खाते थे पापा पहले चिकन खाते थे। अच्छा तू मुझे एक बात बता कि जैसे तेरे पास कोई चीज हो है ना तो मतलब अपनी नहीं जैसे तेरे को कोई प्रॉब्लम है या तेरे को कोई खुशी है या तेरे को कोई दुख है या तेरी कोई भी चीज है ना वो तू किससे शेयर करना मतलब वो समझता है कि मैं किससे शेयर करूँ मम्मा से पापा से? पहले अगर जस्कर पहले स्कूल में है तो पहले जस्करण से। अच्छा जस्करण हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर स्कूल में है तो सबसे पहले मतलब तेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स या तेरी लाइफ की खुशियाँ वो तू किससे शेयर करना चाहता है? पापा पता ही थी पहले ही पता थी क्योंकि ये डैडीज बॉय है। अच्छा तेरे को शादी करनी है? हाँ, बहुत उतावला है शादी थे शादी। अच्छा तेरे को कैसी लड़की चाहिए?
बड़े होके सोचेंगे नहीं, अभी उतारना तो तू अभी से ही है। अच्छा अच्छा, सच में तेरे को शादी करनी है जैसे लाइफ में, तो कैसी लड़की लगी तुझे? पता नहीं, इतनी बुरी लगी हो और मतलब वो चीज तू कभी अपनी लाइफ में दोबारा सोचना भी नहीं चाहता कि मेरे को दोबारा कभी जिंदगी में वैसी चोट लगे? चोट तो लगी, ऑपरेशन हुआ था। किस चीज का? मैं व्लॉग में बताऊंगा उस चीज का ऑपरेशन, वो तो एक अलग चीज थी। ऑपरेशन किस चीज का होया सीगा? रीसेंट हुआ था वो लास्ट, तो वो तो ये नहीं बताना चाहता। उससे पहले की कोई मेजर चोट? वो जो एडमिट हुआ था ये, हाँ, नीज में हुआ था। इसके नीज में फ्लूड हो गया था लास्ट दिसंबर में, 2022 दिसंबर में ये अपने बर्थडे पे, बर्थडे से चार दिन पहले 8 दिसंबर को ये हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। 2021 था नहीं बेटी, 22 था, अभी 24 चल रहा है। 23 बैक, 22 बैक, 22 में था, 2022 में था। तो इसके नीज में फ्लूड हो गया था और वो इतना ज्यादा गंदी पेन थी ना इसको, कि बेचारा बेड से हिलने लायक भी नहीं बचा था। अगर यहाँ पे ऐसे बेड पे लेटा तो ऐसे से इधर भी नहीं हो पा रहा था, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी वो जप्पू की, सच में बहुत बुरी कंडीशन थी। उसको देख के तो हम लोग भी इतना रोए थे, इतना डर गए थे कि ये बना गया जप्पू के साथ। डॉक्टर्स ने यही बोला था कि रिएक्शन आर्थराइटिस है, पर इसको इन्फेक्शन हुआ था, यूरिन इन्फेक्शन और इसके आईज में इन्फेक्शन एक साथ हुआ था, उसकी वजह से पुराने वो व्लॉग डले हुए हैं, तो वो रिएक्शन हुआ था कहीं ना कहीं। तो उसकी वो फिर इसकी एक छोटी सी सर्जरी भी हुई थी नीज की, दोनों नीज में से वो फ्लूइड निकाला था। मतलब वो बहुत गंदा टाइम था, वो लाइफ में दोबारा कभी ना आए। मेरी इसकी प्रॉब्लम सारी हमारे पे आ जाए लेकिन इस पे कोई प्रॉब्लम ना आए, वो बहुत गंदी प्रॉब्लम थी सच में। जप्पू एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर जप्पू ने वो जो पेन बर्दाश्त करी थी ना, वो बहुत ही गंदी पेन थी, सच बता रही हूँ, बहुत ही गंदी थी। जो इसको नीडल्स लगती थी, इतनी ज्यादा दर्द होती थी, एक हफ्ता पूरा ये हॉस्पिटल में रहा था, तो बहुत बुरी कंडीशन थी सच में। वो दोबारा कभी नहीं आनी चाहिए कभी इस पे, तो क्या कभी किसी पे भी नहीं आनी चाहिए, जनरली किसी पे भी नहीं आनी चाहिए, किसी हर किसी के बच्चे अच्छे से रहें। अच्छा तुझे ये बता, तेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पे आता है? एक मिनट, तू पहले व्लॉग बना रहा ना, उन्हें बात चू कर ली यार, अब हो जाएगा जल्दी व्लॉग से, पता नहीं दोनों प्यो पुत्र से ड्रामे ही नहीं खत्म होते। अब बोलो, तेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पे आता है? गुस्सा किस चीज पे आता है? किसी में नहीं आता, आता ही नहीं गुस्सा, बहुत शांत है, मम्मी तो गया पूरे। अच्छा तेरा ड्रीम प्लेस कौन सा है, कहाँ जाना चाहता है? मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, अभी के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। तेरा कोई ड्रीम प्लेस ही नहीं है, कोई ऐसी जगह जहाँ तेरे को घूमना पसंद है, जहाँ तू जाना चाहता है लाइफ में? कुछ नहीं सोचा, हर जगह तो घूमा। फिर गाइस पैदा हो गई, मतलब इन्हें यूजलेस है भी लाइफ, मतलब इन्हें कोई लुत्फ नहीं लेना अपनी लाइफ से। अच्छा लाइफ की, अच्छा तेरा फेवरेट प्ले कौन सा है? फेवरेट प्ले क्या, सबसे ज्यादा खेलना पसंद है तुझे किसमें? ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो। मेरे को ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है, ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद है। रिसेंटली इसने ऑनलाइन गेमिंग चैनल बना भी लिया अपना, है ना। ऑफलाइन तो पूछ लो, ऑफलाइन क्या पसंद है तेरे को? ऑफलाइन थोड़ा बैट बॉल, थोड़ा क्रिकेट हो गया। और बैट बॉल और क्रिकेट एक ही चीज होती है? क्रिकेट ही बैट बॉल यूज होता है? हाँ वो होता है, मतलब कोई अलग अलग होते हैं। क्या अलग अलग होते हैं? बैट बॉल, क्रिकेट और बैट बॉल में क्या अलग अलग चीज है? क्रिकेट में नहीं पता लगता भी मैं बोलना की नहीं पता लगता की मैं, इधर आ जा पहले तू, आप बात भी बुलाना इसको, वही नहीं पता लगता मूर्ख की मैं बोलना की। बड़ा पिल्लो ले आया गाइस, नीम का पत्ता अच्छा पहना था इसने तो। अच्छा चलो अभी अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन जप्पू से पूछते हैं। जप्पू बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, इधर आजा जल्दी, लास्ट तू छोड़ दे, बताओ तेरे फेवरेट कौन है? मम्मा के पापा? पापा मुझे पता पर फिर भी मैंने आधी बेइज्जती कराना चाहिए जैसे नतराली ने करो। तो कुछ खट्टे मीठे से क्वेश्चन थे जो जप्पू से पूछे मैंने कहा थोड़ी मस्ती कर लेते हैं माँ बेटे मिलके। वैसे जप्पू ने मेरे को बहुत अच्छा टैग दिया है, चुड़ैल मम्मा, है ना डुगू, #चुड़ैल मम्मा इसे इंस्टा पे आईडी बना ली, #चुड़ैल मम्मा कहना है मेरे को। तो चलो ठीक है गाइस, यही थी हम दोनों की मस्ती, और हम दोनों की मस्ती सारा दिन भी
ऐसी चलती रहती है, ठीक है। तो होप सो आपको हम लोगों की मस्ती अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या हैशटैग चुड़ैल मामा मेरा नाम इसने अच्छा रखा है, और पिल्लो कितनी सकता है मेरी गोदी चो होना है। तो ठीक है गाइस, मिलेंगे आपसे, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।